यहीं से तुम्हारी ज़िंदगी की एक जंग की शुरुआत होती है, एक नई जंग की। जंग ऐसी नहीं जो चिंता भरी हो, जंग ऐसी नहीं जो उलझनों भरी हो, और जंग ऐसी भी नहीं जो युद्ध जैसी हो। जंग ऐसी जो सुखद होगी, जंग ऐसी जिसमें तुम्हें सुखद अनुभव होंगे, और जंग ऐसी जिसमें तुम्हारा जीतना सुनिश्चित होगा। एक ऐसी लड़ाई जो तुम्हारी तुम्हारे साथ होगी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें तुम स्वयं के साथ एक द्वंद्व युद्ध कर रहे होगे, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें खुद को साबित करना है, और इसीलिए तुम कुछ ऐसे रास्तों पर चल रहे हो जो रास्ते कठिन तो हैं लेकिन नामुमकिन नहीं हैं। नामुमकिन नहीं है उन रास्तों पर चलकर मंजिल की तरफ पहुँचना। कठिन परिश्रम करते रहो, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम एक दिन सफलताओं की सच्चाइयों को अनुभव करोगे, तुम खुद खुशियों को अनुभव करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे रास्ते गलत हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे काम गलत हैं। अगर लोग कहते भी हैं ना कि तुम्हारे काम गलत हैं, तो उन काम को बंद मत करना, क्योंकि वो सारे के सारे काम मैंने ही सुनिश्चित किए हैं तुम्हारे लिए, और वो सभी काम तुम्हें तुम्हारे लिए एक नए रास्ते का चयन करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ ऐसे रास्ते बनाएंगे जिन रास्तों को तुम खुद ही महसूस करोगे कि वो रास्ते गलत नहीं थे, उन रास्तों पर चलना गलत नहीं था। मैं एक बात तुमसे कहता हूँ, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हें इन सब से क्या, क्यों तुम परवाह करते हो और क्यों तुम अपने आप को परेशान करते हो। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ तुमसे कि तुम्हारे जो भी निर्णय हैं, तुम्हारे जो भी निर्णय तुम लेते हो, ऐसा नहीं है कि वो निर्णय गलत होते हैं, लेकिन हाँ, जब निर्णय कुछ चीज़ों के विरुद्ध लिए जाते हैं, मजबूती से लिए जाते हैं, कुछ कुप्रथाओं के विरुद्ध लिए जाते हैं, तो समाज के कुछ लोग, कुछ वर्ग तुम्हें ज़रूर बोलेगा, ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि उनसे उनकी आत्मा आहत होती है, आहत होती है, उन्हें दुख होता है, उन्हें तकलीफ होता है, क्योंकि वो जिन नियमों को बनाकर बैठे हैं, उन नियमों के हिसाब से वो चाहते हैं कि लोग उन नियमों का पालन करें, लेकिन जब तुम उन कुरीतियों के विरुद्ध बात करते हो, तो उन्हें उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो रास्ते हैं, उनमें खतरा नज़र आता है, क्योंकि वो मेरे कुछ बच्चों को गुमराह करने की बातें करते हैं, मेरे कुछ बच्चों को गुमराह भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि तुम उन बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हो, तो उन्हें खतरा महसूस होता है, और यही वजह है कि वो तुम्हारे विरुद्ध होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सोच गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसलिए जब तुम्हारा सोचना गलत नहीं है, तो फिर अपनी सोच को बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। डटे रहो और खुश रहो, हमेशा खुश रहो।